नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A74 5G वर्सेस Tecno Camon 16 Premier का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A74 5G में 6.41 इंच जबकि Camon 16 Premier में 6.72 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A74 5G में 2.94 इंच जबकि Camon 16 Premier में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A74 5G में 0.33 इंच जबकि Camon 16 Premier में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि A74 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A74 5G में 188 ग्राम जबकि Camon 16 Premier में 210 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि A74 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A74 5G में 20:9 जबकि Camon 16 Premier में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A74 5G में 6.5 इंचेस जबकि Camon 16 Premier में 6.85 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A74 5G में 1080x2400 और Camon 16 Premier में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A74 5G में 83.83% जबकि Camon 16 Premier में 84.84% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A74 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Camon 16 Premier में 392 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A74 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Camon 16 Premier की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A74 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Camon 16 Premier की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A74 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Camon 16 Premier में डुअल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A74 5G में Adreno 619 जबकि Camon 16 Premier में Mali-G76 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A74 5G में Qualcomm Snapdragon 480 और Camon 16 Premier में MediaTek Helio G90T मिलता है। बात करें RAM की तो A74 5G में 6GB जबकि Camon 16 Premier में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A74 5G में Android V11 जबकि Camon 16 Premier में Android V10 की देखने को मिलती है। बैटरी A74 5G में 5000 mAh जबकि Camon 16 Premier में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A74 5G में 2 कलर्स जबकि Camon 16 Premier में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
A74 5G 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें कैमन 16 प्रीमियर की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो ओप्पो A74 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में कैमन 16 प्रीमियर आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में A74 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A52 है, दूसरा शाओमी पोको M2 Pro है, तीसरा शाओमी रेडमी 9 प्राइम है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको X3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।